मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अर्जुन मेघवाल जी गजेंद्र शेखावत जी कैलाश चौधरी जी संसद में मेरे साथीगण विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है बुलावा भी भेजती है और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस धारा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो दो आधुनिक सिक्स लाइन एक्सप्रेस मिले हैं फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालचोड़ सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहाँ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है साथियों आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है इसलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं तेज रफ्तार एक्सप्रेस और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा इसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ के युवाओं को होगा राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा साथियों आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ है ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा पंजाब गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरी के जरिए जुड़ेगी सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी साथियों आज यहां बिकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन एक हजार करोड़ रुपए से भी कम मिले थे जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब दस हजार करोड़ रुपए दिए हैं आज यहाँ तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है बीकानेर तो अचार पापड़ नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है कनेक्टिविटी और, और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा साथियों बीते नौ वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है साथियों हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है पूरी ताकत जोत रही है मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद